मैक्सवेल का तूफानी शतक आया, गायकवाड की शानदार जानदार पारी पर पानी फेरा। इस मुकाबले को देखकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग याद आ जाता है, जहां पर वो बोलते हैं कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो इस मुकाबले में मैक्सवेल ने वही काम किया है, अपने सभी भाइयों का और अपना बदला भारतीय टीम से दूसरी पारी में चुकता किया है। अगर हम पहली पारी की बात करें तो मैक्सवेल ने आखिरी ओवर में 30 रन खर्च डाले थे और भारतीय टीम का इस मुकाबले में वापसी करा दिया था। लेकिन जब बल्लेबाजी की बारी आई तो सबसे गिन गिन कर बदला लिया है अपने सभी भाइयों का, जितने जितने उनके साथी गेंदबाज थे जो आज खर्चीले साबित हुए थे, उनका पूरा बदला मैक्सवेल ने अपनी शानदार शतकी पारी से लिया। और सबसे खास बात कि उन्होंने जीत की लाइन भी कंगारू टीम को क्रॉस कराई है। अगर हम इस मुकाबले की बात करें, दूसरे पारी की बात करें, तो भारतीय टीम 18वें ओवर तक मुकाबले में काफी आगे थी। एक टैक्टिकल मिस्टेक जरूर सूर्यकुमार यादव से हुआ, लेकिन वो टैक्टिकल मिस्टेक नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसके लिए सूर्यकुमार यादव ने अक्षर पटेल का ओवर बचा कर रखा था कि लास्ट दो ओवरों में बहुत ज्यादा रन चाहिएगा, तो दबाव में आकर शायद कंगारू टीम वो रन न चेज कर पाए। दो ओवरों में 43 रन चाहिए था, लेकिन एक मिस्टेक हो गई ईशान किशन से, स्टंपिंग अपील कर दिया और वो अपील खुद भारतीय टीम के लिए घातक साबित हुई और मुकाबला भी भारतीय टीम ने वहीं से गवा दिया। वो स्टंपिंग आउट तो नहीं हुआ बल्लेबाज, लेकिन नो बॉल करार हो गया, क्योंकि ईशान किशन ने उस स्टंपिंग को बिहाइंड द विकेट से नहीं किया था, बल्कि थोड़ा सा विकेट के सामने आकर किया था, जिस कारण गेंद नो बॉल करार दी गई। और उसके बाद मैथ्यू वेड ने जो एक्स्ट्रा बॉल पाई उस पर छक्का जड़ दिया और वहीं से मुकाबला पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के फेवर में आ गया। ड्यू कंडीशन था, लास्ट ओवर में 19 रन बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैक्सवेल वहां पर टिके हुए थे, वेड ने भी पिछली ओवर में अच्छा खासा रन बनाया था, जिस कारण से आसान हो गया था ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए मुकाबला। तो 19वें ओवर में और 20वें ओवर में कंगारू टीम के बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की, और जो 18वें ओवर में और 20वें ओवर में कारनामा भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड ने किया, वही 19वें और 20वें ओवर में कंगारू टीम ने करके दिखाया। तो यह मुकाबला उन्होंने जीत लिया और सीरीज को अभी अलाइव रखा हुआ है। 222 रन का टारगेट भारतीय टीम ने सेट किया था, तो 225 रन कंगारू टीम 20 ओवर में बना पाई। अगर हम बात करें कंगारू टीम की तरफ से, तो जो शुरुआत रही वो धमाकेदार रहा। ट्रेविस हेड ने वही वर्ल्ड कप का मोमेंटम पकड़ा और इस मुकाबले में भी झन्नाटेदार 35 रन बनाए 18 गेंदों पे। उसके बाद मैक्सवेल का शानदार 104 रनों की पारी आई 48 गेंदों पे। वेड ने 28 रन की पारी खेली 16 गेंदों पे, और जो उन्होंने लास्ट के दो ओवरों में साइकिल तोड़े, तूफानी अंदाज में रन बनाए, दिखाता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम के पास मैच विनर खिलाड़ी है। आप प्लान करेंगे मैक्सवेल खिलाफ तो आउट ऑफ कोर्स कोई भी खिलाड़ी आ सकता है, और आज वेड आ गए लास्ट के ओवरों में, जिस कारण भारतीय टीम जीता हुआ मुकाबला हार गई। अगर हम बात करें भारतीय गेंदबाजी की, तो रवि बिश्नोई ने 2 विकेट निकाले, अर्थदीप सिंह के नाम एक, आवेश के नाम एक, अक्षर के नाम एक, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा आज इनको आड़े हाथों लिया गया। 20वें ओवर में 19 रन बचाने थे, वो न बचा पाए और 4 ओवर में 68 रन खर्च कर डाले। इस श्रृंखला में जो भारतीय टीम में गेंदबाजी विभाग में सबसे ड्रॉबैक रहा है, वो प्रसिद्ध कृष्णा ही रहे। हर मैच में खर्चीले साबित हुए और आज उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, अगर ये जिम्मेदारी निभा ले जाते, इस कठिन कंडीशन में 19 रन बचा ले जाते, तो फिर इनका ओहदा बढ़ जाता भारतीय टीम में। लेकिन इन्हीं गलतियों से ये युवा गेंदबाज सीखेंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन कंगारू टीम ने इस मुकाबले में जीत कर इस सीरीज को अलाइव रखा है। और ग्लेन मैक्सवेल क्या बल्लेबाज है, वो हर एक गेंदबाज के खिलाफ उनका प्लान क्लियर रहता है, शॉट्स क्लियर रहते हैं, और एग्जीक्यूट करना वो कठिन परिस्थितियों में जानते हैं। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।